बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगा। अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए पहले मैं आपको एक कंडीशन बता दूँ कि कंडीशन क्या है। दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हो। मैं यहाँ पर यह बात लिख भी देता हूँ कि क्या मतलब है इस बात का। टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ बोथ हैव द सेम ऑर्डर। अब मैं इसका मतलब भी बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। हैव द सेम ऑर्डर, ठीक है। दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने दो मैट्रिसेस लेता हूँ। एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए मेरे पास है 2, 3, 5, 6 एंड मैट्रिक्स बी मेरे पास है 4, 9, 6 एंड 10। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऑर्डर किस तरीके से सेम है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पहले रॉ चेक करते हैं, इसमें रॉ कितनी है। ये देखें, इसमें ये हो गई पहली रो और ये हो गई दूसरी रो, ठीक है, दो रो हैं इसमें। इसी तरह बी मैट्रिक्स में चेक करते हैं, ये हो गई पहली रो और ये हो गई हमारी दूसरी रो। इसका मतलब है दोनों में रो, यानी ए मैट्रिक्स में भी दो रो हैं और बी मैट्रिक्स में भी दो रो हैं। अब कॉलम चेक करते हैं, कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। इसी तरह मैट्रिक्स बी में ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। इसका मतलब है ऑर्डर सेम है। ए मैट्रिसेस में भी दो रो और दो कॉलम है और बी मैट्रिसेस में भी, बी में भी हमारे पास दो रो और दो कॉलम है। अभी मैंने कंडीशन क्या बताई, दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिसेस में भी, यानी ए मैट्रिस में भी दो रो और दो कॉलम है, बी मैट्रिस में भी दो रो और दो कॉलम है। तो इट्स मीन कि ये आराम से ऐड हो सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कि ऐड हो सकते हैं, अब इनको ऐड करना किस तरीके से है, अब ये भी हम सीख लेते हैं कि इसको ऐड करना किस तरीके से। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि 2, 4 से ऐड होगा, 3, 6 से ऐड होगा, 5, 9 से ऐड होगा और 6, 10 से ऐड होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन पहले ये देखनी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कैसे करेंगे, देखें, 2 जो होगा वो 4 से ऐड होगा, 3 जो होगा वो 6 से ऐड होगा, 5 जो होगा वो 9 से ऐड होगा और 6 जो होगा वो 10 से ऐड होगा। इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो आइए हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, 2, बीच में आ जाएगा प्लस का, ए का पहले मैंने एलिमेंट लिखा, अब बीच में प्लस लिखूंगा, अब बी का लिखूंगा 4, 2 + 4 यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 2, 4 से ऐड हो गया। अब इसी तरीके से ए का लिखूंगा 3 और फिर बी का लिखूंगा 6, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखूंगा 5 का पहले एलिमेंट लिखूंगा, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 है तो 9 ऐड कर देगा। इसी तरीके से ए का लिखूंगा 6, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा और इसका 10 है, बी का एलिमेंट 10 है, ये हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दी। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 2 + 4 = 6, 3 + 6 = 9, 5 + 9 = 14 एंड 6 + 10 = 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ बोथ हैव द सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये एडिशन हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मैट्रिस में ए मैट्रिस में अगर दो रॉ दो कॉलम है और बी मैट्रिस में दो रॉ एक कॉलम है तो नहीं हो सकती फिर एडिशन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम आप देख लें कि ऑर्डर सेम है तो आराम से आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का फिर मतलब बता रहा हूँ, यानी टू
4 से हो जाएगा, 3 6 से हो जाएगा, 5 9 से हो जाएगा, 6 10 से हो जाएगा। इस तरीके से जाने मैंने किया है, ये देखिए ए प्लस बी, इसका आंसर आ चुका है 6 14 9 16। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।